हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग क्या होता है, प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग कैसे किया जाता है, आज हम बात करेंगे कि आधुनिक युग में जैसे हमको पता है कि नेचुरल वे जो है प्रेगनेंसी के लिए वो तो सबको पता ही है, लेकिन देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑल्सो, जैसे कि IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। आज हम बात करते हैं कि कुदरती गर्भधारण कैसे किया जाता है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप नेचुरल प्लानिंग करते हो। आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज़ अ फर्टाइल पीरियड, ओव्यूलेशन का जो टाइम रहता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट में बहुत सारे LH किट्स अवेलेबल रहते हैं, उसका यूज़ कैसे करना और कहाँ तक करना, कितने महीनों तक करना। दूसरा जो पॉइंट है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आप कितना समय वेट कर सकते हो, कभी आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए, प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने विस्तारित रूप से बताया है, और थोड़े बहुत जो मिथ्स और कन्फ्यूजन्स हैं अपने सोसाइटी में वो पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड का मतलब क्या होता है। अगर कोई कपल ओव्यूलेशन का जो टाइम रहता है कि जो टाइम में ओव्यूलेशन हो रहा है वह समय पे अगर विदाउट एनी यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यानी कि कोई भी गर्भ निरोधक साधन यूज़ नहीं कर रहा है और वह समय में रिलेशन प्लान करते हैं, तब वो टाइम में प्रेगनेंसी रुकने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम रहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो अगर कोई लेडी है जिनकी रेगुलर पीरियड की साइकिल जो है 28 डेज की है, तो उनका ओव्यूलेशन का टाइम ऑन एन एवरेज इज़ 14th डे। नॉर्मली ओव्यूलेशन टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि किसी महिला का पीरियड का जो साइकिल है 28 डेज का है, तो वी हैव टू माइनस 14 फ्रॉम दैट, सो दैट विल कम टू 14th डे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी महिला का ओव्यूलेशन टाइम रेगुलर जो साइकिल है वो 30 डेज का है, तो उसमें से 30 माइनस 14 करना है, सो दैट विल बी द ओव्यूलेशन टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर साइकिल। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग के लिए, उनका काउंसिलिंग हो जाता है और सारे रिपोर्ट्स अगर उनके नॉर्मल हैं तो उनको थोड़ा वक्त दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लेस देन 30 इयर्स के एज में पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो 3 to 6 मंथ्स मिनिमम 1 ईयर का पीरियड दिया जाता है, और कैसे रिलेशन प्लान करना है, कौन से दिन में वो रिलेशन प्लान करें तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर उनका पीरियड साइकिल जो है वो रेगुलर है 28 टू 30 डेज में आ रहा है, तो नॉर्मली उनको पीरियड के 8th डे, 10th डे, 12th डे, 14th डे अल्टरनेट डेज उनको रिलेशन प्लान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर यह समय में वो रिलेशन प्लान करते हैं तो बीच में कोई भी दिन पे ओव्यूलेशन हो सकता है और यह जो टाइम है उसमें प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि नेचुरल साइकिल जो रहते हैं उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 5 to 7%, और IUI साइकिल जब भी हम करते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट है वो नेचुरल साइकिल से डबल हो जाता है। अगर कोई महिला है या तो कपल है जिनको अपना ओव्यूलेशन टाइम, कभी ओव्यूलेशन हो रहा है वो पता करना है, तो देर आर मैनी मेथड्स। जैसे अभी मार्केट में LH किट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे कंपनियों के LH किट्स आते हैं, मोबाइल में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं कि जो आप अगर रेगुलर आपका पीरियड का डेट वगैरह डालते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज ओव्यूलेशन का टाइम बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो एप्लीकेशंस हैं या तो जो LH किट्स वगैरह अवेलेबल है, अगर आपकी उम्र लेस देन 30 ईयर्स है और आप इनिशियल फेज ऑफ प्लानिंग में है, तो आप मैक्सिमम 6 मंथ्स तक यूज़ करें, और अगर वो 6 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है तो आइडियली और इट इज़ बेटर कि आप जल्द ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें, और जो आपका बेसिक प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग है या तो जो रिपोर्ट्स वगैरह ज़रूरी है वो जल्द ही करवाएं। लेकिन दूसरा जो कपल है जिनका एज ऑलरेडी मोर देन 35 ईयर्स है, तो ऐसे कपल्स के लिए मेरी यह राय है कि एक बार आपका अच्छे से प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग और जो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह है, बेसिक सोनोग्राफी वगैरह है, वह पहले करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो देन यू कैन वेट फॉर 3 to 6 मंथ्स विद द नेचुरल प्लानिंग।
और ज़्यादा अपना वक्त इसमें ना गवाए, क्योंकि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका जो नंबर ऑफ एग्स रहते हैं, उनके जो ओवरीज में फॉलिकल्स रहते हैं, उसकी मात्रा कम होने लगती है। जैसे अभी रूटीन ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तभी काफ़ी सारे दंपतियों की कंप्लेन रहती है, या तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि मैडम जब भी रिलेशन प्लान करते हैं तो जो हस्बैंड का सीमन जो है वो पूरा बाहर निकल जाता है, या वीर्य जो है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या यह रीज़न है कि उनको, मतलब हमको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो मैं ऐसे लोगों को खास बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली जब भी आप इंटरकोर्स करते हो तो जो सीमन रहता है वो सीमन के अंदर एक प्लाज्मा पार्ट रहता है और एक रहता है कि स्पर्म्स रहते हैं, यानी कि शुक्राणु रहते हैं। जैसे ही रिलेशन प्लान होते हैं और सीमन जो है वो वजाइना में रहता है, तो जो वजाइना में जब भी रहता है तो वह सीमन का लिक्विडिफिकेशन होता है, यानी कि लिक्विडिफिकेशन के बाद प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो जाता है और जो स्पर्म्स रहते हैं वो पासेस थ्रू द सर्विक्स, यूट्रस और फिर फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म्स पहुंचते हैं। तो यह लिक्विडिफिकेशन की प्रोसेस के बाद जो प्लाज्मा है वो थोड़ा निकल सकता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ सीमन जो रहता है वो भी सफिशेंट होता है, बिकॉज जो नॉर्मल स्पर्म काउंट रहती है वो मिलियंस में रहती है, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिंगल स्पर्म जो रहता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट द प्रेगनेंसी। सो ऐसे अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल सिचुएशन। काफ़ी सारे दंपति आते हैं, उनका सवाल रहता है कि मैडम खाने में हमको क्या परहेज रखनी चाहिए, क्योंकि घर में जैसे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि ये खाना ठंडा है, ये चीज़ गर्म पड़ती है, ऐसे सब बहुत सारे मिथ्स और कन्फ्यूजन रहती है। तो ऐसे लोगों को मैं खास बताना चाहती हूँ कि आपका जो फूड इनटेक है वो एक तो हेल्दी फूड होना चाहिए, जैसे ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म मसाले वाली चीज़ नहीं खानी है, और आपका जो रूटीन डाइट है जैसे रोटी सब्जी दाल चावल है इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ग्रीन जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उसका सेवन ज़्यादा करें, सिट्रस फ्रूट्स है यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स है उसका सेवन आप ज़्यादा करें, हाई प्रोटीन डाइट लेना है यानी कि जो पल्सेस वगैरह है उसका सेवन ज़्यादा करें आप, और जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, यह सब आपको अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी आप पूरे दिन में मिनिमम 10 से 12 ग्लास पानी पीने का टारगेट रखें। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कपल्स हैं, जो भी न्यूली मैरिड है, प्लस जो भी कपल्स अभी प्लानिंग फेज में है, तो मेरी यह राय है कि 30 साल के पहले एटलीस्ट आप एक प्रेगनेंसी कंसीव कर लें तो आपको भविष्य में ज़्यादा तकलीफ आने के चांसेस कम रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो क्वेरीज है उसके जवाब दे सकें। थैंक यू।